हेलो एवरीवन, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं फन मोटो। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओल्ड कार का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, आज का जो टॉपिक है कि ओल्ड कार के बिजनेस को कैसे ग्रो करें, कैसे एक उसको रॉकेट की तरह उसको स्पीड में ले जाए, ग्रो कैसे कैसे करें। तो मैं आज उस पर बात करूँगा कैसे हम एक सक्सेस मेंटेलिटी के साथ एक पॉजिटिव वे में हम इस बिजनेस से कैसे एक स्मार्ट अर्निंग करें, कैसे हम बिजनेस को सक्सेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप कार का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो तो आपको तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे टेरिटरी में कौन सी कार ज़्यादा बिकती है, ठीक है। और एक आप मिड साइज के बजट की कार लें, 3 से 4 लाख के बीच की बजट की कार लें, और उस कार को जब आप परचेज करके लाते हैं तो नॉर्मली सी बात है कि आप जब लेके आएंगे कार को तो आप देखेंगे उसमें कमी क्या है। तो पहले तो उसकी कमी रेक्टिफाई करके उसको ठीक करें। उसके अलावा उस कार में देखें कि म्यूजिक सिस्टम कैसी लगी हुई, टच है या विदाउट टच है। अगर विदाउट टच है तो उसमें टच लगवा दे। सीट कवर देखें कि सीट कवर की कंडीशन कैसी है। सीट कवर कंडीशन अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी नहीं है तो सीट कवर को चेंज करके थोड़ा सा अच्छा सीट कवर लगाए, ठीक है। और उसके अलावा डोर वाइजर देख लें, डोर वाइजर कार में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डोर वाइजर आप लगा लें कार में। और कार को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, अंदर से पूरी मैटिंग होनी चाहिए, मैटिंग करा के रखें। जब कोई कस्टमर आपके पास आता है ना तो बेसिकली वो चाहे ओल्ड कार के लिए लेने आ रहा, बट क्या होता है उसके माइंड में उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मैं जो कार परचेज करूँ ना वो कार एटलीस्ट ऐसी हो जिसमें मेरे को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़े और बिल्कुल ओके कार हो। तो बिल्कुल हाँ, ये हर कस्टमर की सोच होती है। तो जिस तरह आपको पता भी नहीं चलेगा कि कस्टमर किस चीज़ को देख करके आपकी कार को परचेज कर सकता है, किस चीज़ को देख करके आपको रिजेक्ट कर सकता है। हो सकता है मे भी कार का म्यूजिक सिस्टम उसको पसंद आ जाए, कार आपको ले ले। हो सकता है उस कार की आपको सीट कवर और म्यूजिक सिस्टम देख के वो कार आपकी डील जल्दी मेच्योर हो जाए, डील आपका कन्वर्ट हो जाए सेल्स में, ठीक है। उसके बाद सेल्स करने का तरीका आपको होना चाहिए। देखिए, अगर आप एक शॉप खोल के एक बिजनेस स्टार्ट करके बैठ जाएंगे कि कस्टमर आएगा तो मैं सेल करूंगा, ऐसे फिर बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। जैसा कि अगर आपके पास आपने बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को एक हाई स्पीड की हाई स्पीड में आगे ले जाना है, तो उसके लिए हमें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना होगा। जैसे कि एक तो हमें अपना कैटलॉग बनाना होगा व्हाट्सएप पे कि हमारे पास कौन सी कार है, कौन सी मॉडल है, कौन सा ईयर है और क्या प्राइस है, ये आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने हर कस्टमर को भेजो। कस्टमर की डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, हर कस्टमर का नेम नंबर आपके पास होना चाहिए, जो भी वॉकिंग आती है, जो टेलीफोनिक आती है, जो भी किसी आपके पोर्टल के थ्रू आ रही है आपके पास इंक्वायरी, उसकी नंबर होना चाहिए। और आप उन सबको अपना ब्राउजर भेजो, उसको लीफलेट भेजो, आप अपनी कार की डिटेल्स भेजो सबको। उसके अलावा क्या होता है, आप अपनी कार की पिक्चर्स, आप अपनी कार की मॉडल्स आप इंस्टाग्राम पर डालो, आप फेसबुक पर डालो, फेसबुक पेज पे आप डालो, फेसबुक पे ऐड डालो, आप यहाँ से इंक्वायरी जनरेट होती है। उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे पोर्टल्स आ गए हैं कार को सेल्स करने की। ओलेक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ओलेक्स पे आप कार सेल कर सकते हैं। इसी तरह आपका कार देखो का प्लेटफॉर्म आता है, कार वाले का आता है, इन पे आप अपनी कार को डिस्प्ले डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, प्लस वॉकिंग के थ्रू हो गई। और कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको अपने बिजनेस में रखना होगा। एक आपको क्लीनर होना चाहिए और क्लीनिंग मशीन होनी चाहिए जो अंदर से एयर से साफ होती है, वो होनी चाहिए आपके पास। थोड़ा टेफ्लॉन कोटिंग की आपके पास मशीन होनी चाहिए, टेफ्लॉन कोटिंग से कार क्या होती है शाइनिंग हो जाती है, बहुत क्लीन होती है, तो कस्टमर को जल्दी पसंद आती है कार, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपको बेसिकली। और आप देखो कि टायर की कंडीशन कैसी है, अगर कोई टायर चेंज मांग रही है तो चेंज कर दो आप। कस्टमर ने ये छोटी छोटी चीज़ें देखा और यही छोटी छोटी चीज़ें से आपके अंदर एक्यूरेसी आती है, और आपके कस्टमर को यही छोटी छोटी चीज़ें से आपके अंदर एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए कॉन्फिडेंस आता है, और परचेज करने वाले को ये देख के अच्छी लगती है कि यार कार अच्छी है, कार में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, अगर 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा भी मांगता है बंदा तो दे दो, प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये चीज़ होना चाहिए। देखिए, आपको जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पूरा यूज करना है, तभी आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। वॉकिंग की आपके पास रिकॉर्ड होना, हर इंक्वायरी आपको नोटेड करना है, हर इंक्वायरी को आपको अपना ब्राउजर भेजना है, कार की डिटेल भेजनी है हर इंक्वायरी को, कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शंस देना है, लोन का ऑप्शंस बताना है कस्टमर को, कैश बताना है कस्टमर्स को। तो ये चीज़ें आपको बताना है, कस्टमर को ये बताना है सर कि हम आपको कार ट्रांसफ़र करा के देते हैं, डॉक्यूमेंट्स का कोई आपको टेंशन नहीं है, आप हमसे कार लोगे हम आपके नाम करके देंगे। हम जो कार लेते हैं सर वो बहुत ही पेपर में सब चीज़ क्लियर होती है, पेपर की कोई कमी हमारे पास कोई भी किसी तरह का कोई हम उसमें ये गैप नहीं छोड़ते जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम आए। तो ये चीज़ें आपको अपनी अपनी उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताना है। तो ये इस तरह से जब आप कार की बिजनेस को करेंगे और ये प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, ये आइडियाज़ यूज़ करेंगे,
तो 100% आप सक्सेस होंगे। सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर को ये देखना है कि ज़्यादा महंगी कार हमें लेनी नहीं है, ज़्यादा ऊंचा मॉडल हमें लेना नहीं है, हमें मिड साइज का मॉडल लेना है। उसमें 10-20 हज़ार लगा करके उस कार को बना के बहुत अच्छे से बनाना है और उसको बहुत, मतलब आप जब अच्छी कार बनाएंगे ना, जब उसको डिस्प्ले डालेंगे तो वो क्या होता है, अच्छी कार बहुत जल्दी बिकती है, वो रुकती नहीं है। जब आपका पैसा रोटेट होगा ना तो फिर आपके पास स्टॉक आएगा, फिर आपकी अर्निंग ऐसे ही होगी आपकी डबल। तो ये चीज़ें रखनी है आपको, क्लीनर बंदा रखना है जो आपकी प्रोडक्ट को सेल्स कर सके, जो आपकी प्रोडक्ट की टेस्ट ड्राइव करा सके आपको। आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि सपोज मेरे पास स्टॉक 10 कार का है, तो उस 10 कार का तो आपने ब्राउसर बनाना ही बनाना है। उसके अलावा आपके आसपास को डीलर होंगे जो आपकी तरह ही बिजनेस कर रहे होंगे, आपसे पहले से होंगे, तो आपको उनसे भी बात करके रखना है कि सर आपके पास कौन कौन सा स्टॉक है, अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है या मेरे पास कोई वॉकिंग आती है या मेरा कोई क्लाइंट आता है तो क्या मैं आपकी कार दिखा सकता हूँ, उसमें मेरे को क्या बेनिफिट होगा, आप उनसे बात कर लें। बेसिकली पुरानी कार डीलर ऐसे ही करते हैं, 10 तो उनके पास कार होती है, 4-5 उनके डीलर होते हैं जो जानने वाले होते हैं, तो वो उनसे भी टाइप करके रखते हैं, वो लोग उनका भी स्टॉक दिखाते हैं, वो भी आपका स्टॉक दिखाएंगे, तो वहाँ पे मार्जिन शेयर हो जाती है। तो एक तो आपका ये भी बेनिफिट होगा। तो एक बिजनेस को ऐसे भी करना है, उनका भी स्टॉक आपको पता होना चाहिए, उनके पास कौन कौन सी कार खड़ी है, तो आप अपने कस्टमर को वो कार भी ऑफर करें। सबसे पहले तो आप अपनी कार ऑफर करें, आप अपनी आपके पास जो स्टॉक का कार है वो बेचें। अगर कस्टमर नहीं मानता कि नहीं मेरे को तो ये कार चाहिए और वो आपके पास नहीं है, तो फिर आप अपने को डीलर को पता करें कि किसी के पास वो कार खड़ी है, डिस्प्ले में है, तो फिर आप उनसे स्टॉक शेयर कर सकते हैं। उनसे डिटेल लेके अपने कस्टमर को शेयर करें, उनसे कार लेकर आप उन्हें दिखाएं और अगर कार पसंद आती तो फिर सेल आउट करें। लेकिन उससे पहले उनसे अपनी प्रॉफिट की बात कर लें जो आपके को डीलर है, और उनसे भी बोले कि मेरे पास भी ये कार खड़ी है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपके पास कोई इंक्वायरी आती है तो आप मेरी कार दिखा सकते हैं, आप बेच सकते हैं, मैं आपको इसमें प्रॉफिट बता देता हूँ, मैं आपको इसमें इतना प्रॉफिट देता हूँ। तो ये चीज़ें होती है, ये एक आइडिया है बिजनेस का। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे होते हैं कि कैसे हम बिजनेस को ग्रो करें, तो मे भी अगर आप शेयर करेंगे और शेयर करने से उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम इसी तरह के वीडियो आपको लाते रहेंगे, ट्रेनिंग पर्पस से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि नई कार कौन सी मार्केट में आ रही है, हम अपने बिजनेस को कैसे सक्सेस करें, हम अपने बिजनेस में कैसे डबल ग्रोथ करें, ये मैं आपको बताते रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने।